तेरी हिफाजत करूँगा, हज़रत मोहम्मद की हिफाजत नहीं की गई। आपकी जो मौत है वो जहर की वजह से की, जहर की वजह से हुई थी। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4428, इसमें लिखा हुआ है कि हज़रत मोहम्मद की वफ़ात जो है ना उस जहर की वजह से हुई जो उनको खैबर में दिया गया था। ठीक है, जहर दिया गया, आपने कहा ना जहर से मौत हुई, झूठ बोला है आपने। बुखारी शरीफ में ये नहीं लिखा कि जहर से मौत हुई, ये लफज आप साबित कर दें, मुंह मांगा इनाम पाएं। ये लिखा है कि जो जहर मुझे दिया गया था उसका असर मैं अब भी महसूस करता हूँ, ये और बात है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वो ये जो हदीस है ना, ये जो पढ़ी है आपने, ठीक है ना, ये नबूवत के ऊपर दलाइल नबूवत में लोगों ने नकल किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस हड्डी ने बोल के बताया कि इसके अंदर जहर है। ठीक है, अच्छा, फिर उस पर आपकी मौत वाकया नहीं हुई, कितनी मुद्दत बाद? उसके बाद आपने दीन को मुकम्मल किया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, दीन मुकम्मल हो गया।